नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इग्नू यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट करेंगे आज से एग्ज़ाम तक। तो मॉक टेस्ट करने से पहले मैं आपको इग्नू यूनिवर्सिटी से जो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे उनका पीवाईक्यू का पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है 2019 का। तो यहाँ पे देख लीजिए, 2019 तक यहाँ पे प्रश्न किस तरह के पूछे जाते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रश्न पूछे जाते थे ना 20-20 मार्क्स के, उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते थे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब जो जनवरी में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, पहले 16 जनवरी को इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम था, लेकिन जब डेट एक्सटेंड कर दी गई है तो जाहिर सी बात है कि इसका एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड होगा। कब तक डेट निकलेगी एग्ज़ाम की वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगी। फिलहाल मॉक टेस्ट करने से पहले आपको ये कंफर्म करवाना जरूरी था कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अभी पता भी नहीं है, तो जिस तरह यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि इस तरह से विस्तार से। तो ये आपको एक बार ये दिखाना जरूरी था। तो चलिए अब हम इग्नू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट की यहाँ पे रिवीजन करेंगे। मेरे पास ये जो प्रश्न की पीडीएफ है ये हैदराबाद पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुए थे उसकी ये पीवाईक्यू की पीडीएफ है मेरे पास, लेकिन इसका उत्तर नहीं है, इनके उत्तर मैंने खुद लगाए हुए हैं। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको किसी भी प्रश्न में संदेह होगा। अब तक जितने भी स्टेट से जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको पता चल सके कि पीएचडी एंट्रेंस के जो प्रश्नों के लेवल होते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तो इनडेप्थ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लेवल तो बहुत हाई होते हैं, आरपीएससी के लेवल भी बहुत हाई होते हैं प्रश्नों के। लेकिन जो पीएचडी एंट्रेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगी, चाहे वो हैदराबाद के हों, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो अदर किसी यूनिवर्सिटी की। अगर मुझे पीडीएफ मिलेगी पीवाईक्यू की तो मैं वो आपको करवाऊंगी, साथ साथ मैं आपको अपने प्रश्न भी करवाऊंगी, ताकि आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सके और आपको ये भी पता चल सके कि एटलीस्ट एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिलहाल मेरे पास हैदराबाद यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर जो प्रश्न पूछा गया था एंट्रेंस में उसकी पीडीएफ मेरे पास है, जिसमें से 36 से 70 प्रश्न हैं, 36 से 70 संख्या तक मेरे पास प्रश्न है, उनको हम करेंगे। और आप नोटिस करते जाइएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने नेट की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है ना, तो ये इग्नू एंट्रेंस के जो प्रश्न हैं बहुत आसानी से अच्छे से आप हल कर सकते हैं। तो धनपाल की जो रचना है इन चार विकल्प में से, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, धनपाल की रचना कौन सी है इन चार विकल्प में से? तो भविष्यत कहा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक ने अपने परमात्मा को किस नाम से संबोधित किया है? गुरु नानक ने अपने परमात्मा को किस नाम से संबोधित किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक ने अपने परमात्मा को निरंकार पुरख कहा है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने का श्रेय किसे जाता है? राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलख जगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पीपादास को, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ज्यादा ही जूम हो गया, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सौर सैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था उससे कबीर का लगाव न था, यह कथन किस आलोचक का है? ये आपने बताना है। चौथा विकल्प है, ये देख लीजिए, ए बी सी डी, ये चार विकल्प हैं, इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ये किस आलोचक का कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, गौरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा,
तो ये पद्मावत रचना में गोरा बादल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो ये प्रेम वाटिका नंददास की नहीं है, क्योंकि ये रसखान की है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरणार्थी के कवि कौन है, शरणार्थी के कवि कौन है? तो ये हैं अगे जी। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, शरणार्थी रचना है, किस इसके कवि कौन है? अगे जी। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद लेखक के विचारों के बावजूद प्रकट हो जाता है, किसका कथन है? तो ये बताना है आपने, ये कथन है एंगेल्स का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि साधारण जनता ने राम को अपना त्राणकर्ता भी पाया, ग्रह और निषाद को अपनी छाती से लगाने वाला भी पाया। एक तरह से जन साधारण की भक्ति भावना के भीतर समाये हुए समान प्रेम का आग्रह पूरा हुआ, किंतु वह सामाजिक ऊंच नीच को स्वीकार करके ही राम के चरित्र द्वारा, तुलसीदास जी के आदेशों द्वारा सदाचार का रास्ता भी मिला। यह कथन किसका है? इन चार विकल्प में से बताइए यह कथन किसका है। तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है, ये जो कथन है ये मुक्तिबोध जी का है कथन। अगला प्रश्न है, सुमेलन से, तो आपने सुमेलन करना है, ये जो पंक्तियां हैं ये किन कवि की हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यह ललित लाल केधव लसत दिग्भामिनी के भाल को, ये पंक्ति किसकी है ये आपने बताना है। तो ये पंक्ति है केशव की है ये। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। तो ये पंक्ति है घनानंद की। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, तो ये है बिहारी की। उसके बाद, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये है पद्माकर की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। बी बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा सा देख ले, जूम करवा देती हूँ, ये देखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है देव की रचना? तो सुजान चरित्र देव की रचना नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम तो कहत हम आदि निवासी आदि वंश संतान, भारत भैया माता हमरी जिनको लाल सलाम, किसकी काव्य पंक्ति है ये बताना है आपने। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है अछूतानंद हरिहर की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तर्क स्थापना से है प्रश्न, पढ़िए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। वह स्थापना है, वार्ता ग्रंथों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ हैं जो वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का और 252 वैष्णव की वार्ता में गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। ये हो गई स्थापना। तर्क यहाँ पे देख लीजिए, वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विट्ठलनाथ और गोसाई गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध करने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट और हरिराय ने किया। हरिराय की गणना ब्रजभाषा गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। बताइए इसमें से तर्क और स्थापना में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो ये जो तर्क स्थापना दी गई है ये दोनों ही दोनों सही हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, तार सप्तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो
इसमें अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का अर्थ क्या है? मैं आपको ये प्रश्न बता सकती हूँ कि ये जो प्रश्न है, ये जो अशोक तिवारी की जो बुक है, उसके जो बुक के पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं, उन प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो बुक के पीछे जो प्रश्न दिए होते हैं ना, जब चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर खत्म होने के बाद जो प्रश्न दिए होते हैं, आप उनको भी लगाया करो। कई बार एग्जाम में वो भी पूछे जाते हैं। तो ये वो प्रश्न है, आप चाहे खोल के देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब किया था तो मुझे ध्यान है कि ये प्रश्न बिल्कुल एज इट इज सेम यही पूछा गया था उस बुक में। तो यहाँ पे फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, आगे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में पिरोए सात कवियों की रचनाओं का संग्रह है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे सुमेलन से, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कृतियां दी गई हैं चार, इनको आपने सुमेलित करना है। ये यहाँ पे कृति दी गई है, यहाँ पे कृतिकार दिए गए हैं, जिनको आपने सुमेलित करके बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। चक्रव्यूह किसकी है? चक्रव्यूह तो चक्रव्यूह है कुंवर नारायण की। चुका भी नहीं हूं मैं, तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। उसके बाद हिमबद्ध, तो ये है जगदीश गुप्त की। इसी तरह साए में धूप, दुष्यंत कुमार की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ए विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कहानियों की रचना काल की दृष्टि से सही क्रम में लगाना है। तो इसको सही क्रम में लगा के इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्रम में लगाते हैं। तो उसने कहा था, ये तो 1915 की हो गई, पंच परमेश्वर 1916 की है, आकाशदीप 1928 की। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। मलबे का मालिक कितने की है, इसका प्रकाशन सन क्या है, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। लेकिन अगर आपको पहले तीन भी पता है ना, तो आराम से इस प्रश्न को सही कर सकते हो। तो यहाँ पे ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, तर्क स्थापना से है प्रश्न। देखिए स्थापना है, प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में मनोविश्लेषण की प्रधानता है, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकार का रहा है, तथा उन्होंने प्रेम रोमांस एवं यौन समस्याओं को भी अपनी विषय वस्तु बनाया है। ये स्थापना है, तर्क है, युगीन प्रवेश में पूर्णता व्यक्त करने में नई कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कहानी के शिल्प ने भी इस काल में उत्तरोत्तर प्रगति की है। अब कहानी में घटना विरलता के साथ साथ चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। तो बताइए इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इन चार विकल्प में से, यहाँ पे दिया हुआ है। तर्क स्थापना में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कथन से है, भट्ट व अशोक वन की सीता है, यहाँ वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये आपने बताना है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, तो भटिनी के लिए। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका निबंध है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आरोही क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरोही क्रम में। तो यहाँ पे यहाँ से आप इसका सही उत्तर लगा सकते हो, प्रेमचंद्र जी पहले आएंगे, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार की है? किस निबंधकार की है रस आखेटक? तो ये कुबेरनाथ राय की है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य को यदि लोकतांत्रिक छवि निर्मित करनी है तो उसे पुरोहितवाद और गुरुडम से
बाहर निकलना ही होगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यह है छठवां दशक, छठवां दशक विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह नहीं है, विकल्प नहीं, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इग्नू का एंट्रेंस टेस्ट का मॉक टेस्ट अगर करवा रही हूँ, तो ये इग्नू में ही नहीं, जितने भी स्टेट से निकलते हैं पीएचडी एंट्रेंस के जो फॉर्म, अगर बीएचयू का भी है या दिल्ली का है या हैदराबाद का, या किसी भी स्टेट का अगर एंट्रेंस टेस्ट है, तो जितने भी मैं मॉक टेस्ट करवाती हूँ बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्रश्न देख सकते हो, आपकी प्रश्न आगे है आपके सामने। अनुज लुगुन की कविता नहीं है, अनुज लुगुन की कविता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अटपटे से कवि हैं, उनकी कविता पूछ ली गई है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो एग्जाम में एक आध दो प्रश्न इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें देख के पता लगाना है कौन सी नहीं है। अनुज लुगुन की कविता, तो वो है दो पंक्तियों के बीच, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समष्टि मूलक उपन्यास के अनुरूप जैसा महाकाव्योचित स्थापत्य गोदान में है, मैला आंचल सुसंबद्ध स्थापत्य का उपन्यास है, यह कथन किसका है? ये बताना है आपने, ये कथन किसका है? तो इन चार विकल्प में से ये कथन आ जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का, नलिन विलोचन शर्मा का ये कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? तो लक्षणा शक्ति में, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया? किसे महत्व नहीं दिया अनुकरण सिद्धांत में? कवि की अंतस चेतना को, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोजाइनस ने औदात्यवाद का मूल आधार क्या माना है? लोजाइनस के औदात्य के ऊपर भी मैंने प्रश्न करवाया हुआ है, तो उसमें आप देखना ये प्रश्न है, मैंने जो प्रश्न करवाया है औदात्यवाद के ऊपर मॉक टेस्ट करवाया हुआ है, जिसमें 50 तक मैंने मॉक टेस्ट करवाया है, 50 इस टॉपिक से 50 प्रश्न करवाए हुए हैं लोजाइनस के औदात्य तत्व पर, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, उसमें से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो लोजाइनस के औदात्य का मूल आधार क्या है बताना है आपने, तो यह है प्रतिभा को माना है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आहुति कहानी की नायिका कौन है? आहुति कहानी, तो यहाँ पे आहुति कहानी की जो नायिका है वो है रूपमणि, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त में महाचिति किस दर्शन का परिभाषिक शब्द है? तो यह है प्रत्यभिज्ञा दर्शन का, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विक्टर स्लोवास्की का संबंध किस कला चिंतन से है? तो यह है रूसी रूपवाद से। अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने विभिन्न वादों के क्रम के ऊपर क्लास ली थी, तो उसमें मैंने ये प्रश्न करवाया हुआ था। तो देख सकते हैं कि मैं अब तक जितने भी मॉक टेस्ट करवाई हूँ ना, अगर ये आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं इग्नू से, तो 2000 प्रश्नोत्तरी और 5000 प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है, आप इनको दोबारा लगा के देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देख सकते हैं कि मेरे मोस्टली करवाए जाते हैं जो प्रश्न, वो आते ही आते हैं, टच वुड मेरी इतनी कृपा है। तो चलिए, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आप देखिएगा, ये प्रश्न मैंने करवाया हुआ है, लेकिन एज इट इज़ नहीं करवाया है, थोड़ा सा अपने तरीके से करवाया, अगर उसको वैसे भी करते ना जिस तरह मैंने करवाया, तब भी आप ये प्रश्न को हल कर लेते। तो विक्टर स्लोवास्की का संबंध
रूसी रूपवाद से है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह नहीं है, काव्य संग्रह बताना है केदारनाथ का कौन सा नहीं है, तो वो आ जाएगा मेरे समय के शब्द। मेरे समय के शब्द ये केदारनाथ का काव्य संग्रह नहीं है। बाकी ये लास्ट के तीन हैं, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म बताना है आपने। तो असंगत युग्म है इसमें से बिहार बंधु राम वृक्ष वेणीपुरी की है, तो ये गलत आ जाएगा, असंगत बताना था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तरुवर के छायावाद सी उपमा सी भावुकता सी किसकी काव्य पंक्ति है, तो ये काव्य पंक्ति है पंत की, तो यहाँ पे सही उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक कौन है। उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो ये आज हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जो निकले पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके मैंने प्रश्न करवाए हैं, जो काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा इग्नू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने आप एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्नों के लेवल किस तरह के पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं मैं हर दिन कोशिश करूंगी आपको दो उपलब्ध करवाने की वीडियो क्लास, अगर दो नहीं हो पाई तो एक तो जरूर होगी एग्जाम तक आपके लिए, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। और जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज, 5000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज, साथ ही पीवाईक्यू जो मैंने करवाए हुए हैं उनको भी आप लगाइएगा, उनसे भी आपको काफी मदद मिलेगा इग्नू एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत मदद मिलेगी। आप एक बारी करके देखिए, मेरे कहने पे आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो ये थे आज का वीडियो लेक्चर। कल के वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूछे गए थे एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न उनको सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।